हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे आनंद मैरिज एक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आनंद मैरिज एक्ट जो सिख कम्युनिटी के लिए है, ये किस बारे में है, ये इतना न्यूज़ में क्यों है आजकल, ये हिंदू मैरिज एक्ट से डिफरेंट कैसे है, और इस मैरिज एक्ट का जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी। अब आगे बढ़ने से पहले इन अ नटशेल आपको पूरी कहानी बताना चाहूँगा। रिसेंटली क्या है कि दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो आनंद मैरिज एक्ट जो सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग मैरिज एक्ट है उसको नोटिफाई करेगी। मतलब कि दिल्ली में जो भी सिख हैं वो जल्द ही आनंद मैरिज एक्ट के अंडर उनकी शादी हुआ करेगी। अब इशू क्या है कि इससे पहले ज़्यादातर जो हमारी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो शादी होती थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हो जाती थी। अब उसमें इशू क्या रहता था कि उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वहाँ पर रिलीजन हिंदू आ जाता था, और जब वो मान लो कैनेडा जाते हैं या फिर USA जाते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर वो कहते थे कि हमारा रिलीजन सिख है और वहाँ पे उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वहाँ पे कुछ और लिखा होता था, तो देर वॉज सम इशूज़। एक तो ये है, उसके अलावा हम फिर आर्टिकल 25 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वहाँ पे भी आ जाते हैं कि क्या आपको अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपका जो रिलीजन है आप उसी के हिसाब से शादी करो, और यू शुड बी कॉल्ड हूएवर यू आर। अगर आप सिख हो तो आपको सिख खुद को अटैक करने का हक है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिबेट्स और शुरू हो गए थे। तो वैसे ये टॉपिक जो है इसके थ्रू हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक, UPSC, क्लैरिटीज भी। हमारे कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम studyiq.com। यहाँ पे हमारी आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी फॉर SSC, CGL एंड CHSL एग्जाम। तो रिसेंटली हुआ क्या है, देखो दिल्ली के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, दिल्ली में ऑफकोर्स आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो कैपिटल तो है आपको पता ही होगा, तो दिल्ली के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी रिसेंटली कि जो सिख मैरिजेस, सिख कम्युनिटी की जो मैरिजेस हैं दिल्ली में वो आनंद मैरिज एक्ट के अंडर हुआ करेगी, ठीक है। और ये जो इसकी नोटिफिकेशन इन्होंने निकालनी है ये उसकी फाइनल स्टेजेस में है और इसी महीने में ये सब कर देंगे। तो आगे जाकर आप देखोगे ये न्यूज़ में और भी ज़्यादा रहेगा। ये जो एक डिमांड है कि सिख्स का, सिख कम्युनिटी का एक अपना स्पेशल मैरिज एक्ट होना चाहिए और स्टेट्स को उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ये एक 109 साल पुरानी डिमांड है। कई सालों तक सिख्स को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर शादी करनी पड़ती थी और उसी एक्ट के हिसाब से उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट था उसमें हिंदू लिख दिया जाता था। ये ऑफकोर्स प्रॉब्लम सिर्फ सिख्स के साथ नहीं थी, ये जैन्स के साथ भी थी। तो इससे दो प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक तो खैर सिख कम्युनिटी ये मान रही थी कि जो उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, फिर दूसरी प्रॉब्लम जो एक बहुत जेन्युइन है कि आप अगर इंडिया से बाहर जाते हो तो वहाँ पे तो आपको दिक्कत आएगी ना, आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो एज ए सिख, वहाँ पे आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आने वाली थी, वो आती भी थी, कई लोगों को प्रॉब्लम आई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा एक आनंद मैरिज एक्ट ओनली फॉर सिख्स ये अलग से बनाया जाए। और इस एक्ट की रिक्वेस्ट सबसे पहले ये ब्रिटिश एरा के दौरान सामने आई थी, ये 1909 में, उस समय जो वायसराय थे वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और ये वैसे का वैसे ही रह गया और कई सालों तक हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा ही लेना पड़ा सिख कम्युनिटी के लोगों को शादी करने के लिए। अब देखो बहुत सारे सिख ग्रुप्स के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि उनका जो रिलीजन था सिखिज़्म उसको हिंदुइज़्म के साथ क्लब किया जा रहा था, मतलब कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो गायब हो रही है, और ये हमारा जो सेकुलर स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके भी अगेंस्ट जा रहा था। तो 2012 में हमारे सरकार ने आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी उसको अप्रूवल दे दी और बस अब स्टेट्स को उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी था। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा हूँ कि ऐसा एक बिल, सिख मैरिज बिल 2007 में पाकिस्तान ने ऑलरेडी पास कर दिया था, तो इस मामले में पाकिस्तान हमसे एक कदम आगे था। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सेंटर ने तो खैर वो जो अमेंडमेंट एक्ट है वो पास कर दिया था, मगर यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा कि मैरिज जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। यहाँ पर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो यहाँ पे है। ऑफकोर्स वो जो मैरिज एक्ट है सीधा उससे क्वेश्चन आएगा नहीं, उसके उससे जो रिलेटेड और जो टॉपिक्स हैं उससे आपके एग्जाम से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो जो शादी है, डिवोर्स है और एडॉप्शन वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंकरेंट लिस्ट में आती है, मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों का इसमें इंटरफेरेंस होगा। और कंकरेंट लिस्ट में आपको पता होगा हमारे पास 52 आइटम्स है, ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस।
अब देखो, जब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारी नज़र जाएगी आर्टिकल 25, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, जो एज इंडियंस हम सबको परमिशन देता है, हम सबको फ्रीडम देता है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। अब उस आर्टिकल 25 को हम स्टडी करें तो वहाँ पर जो सेक्शन 2 भी है, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं जो कुछ लोगों को खराब भी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर लिखा है कि जो टर्म है हिंदू, ये बहुत सारी क्लासेस और सेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि हिंदूज़ के लिए तो ऑफकोर्स की ही जाएगी, जैन्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, सिक्स के लिए। और सिक्स और जो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि ये जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं, ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए इसकी वजह से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही आर्टिकल जो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत हमारे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, इसी आर्टिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है सिख रिलीजन से रिलेटेड, जहाँ पे किरपान उनको कैरी करने की आज़ादी दी गई है। किरपान आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिख रिलीजन का। तो इसी आर्टिकल में बताया गया कि सिख्स किरपान कैरी कर सकते हैं, उनका जो रिलीजन है, उनका जो फेथ है, उसका एक इंटेग्रल पार्ट है। तो अगर हम और अच्छे से स्टडी करें आर्टिकल 25 सेक्शन 2B को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हिंदू एक्सप्लेनेशन 1, द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपांस शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। तो यहाँ पर लिखा है कि जो किरपान है वो सिख्स कैरी कर सकते हैं। और फिर जो इसका जो बी पार्ट है वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफ द क्लॉज रेफर्स टू हिंदूज शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, जैना और बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये जो चीज़ है, इस पर काफ़ी बार डिबेट भी हो चुका है, और इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या, आपका क्या विचार है इस पर, ठीक है। एक इस पर पिटीशन भी फाइल की गई थी, सिख स्कॉलर हैं एक बीरेंद्र कौर जी, उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल करी थी कि यहाँ पर जो है सेपरेट फेथ्स हैं तो उनको एक ही क्यों रिकग्नाइज़ किया जा रहा है इस आर्टिकल में। अब यहाँ पे बहुत ही एक ईजी सा क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, आंसर फिर भी मैं यहीं पे बता दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि फाउंडर कौन थे सिख रिलीजन के। आंसर यहाँ पर सी नहीं है, डी है, गुरु नानक जी फाउंडर थे सिख रिलीजन के। याद रखिएगा, सिंस ये सब कुछ अब न्यूज़ में है तो ऐसा किसी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी आगे देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1469 में, और ये पहले गुरु थे सिख रिलीजन के और फाउंडर थे ऑफ कोर्स। और इनका जो जन्म है वो तल वांडी में हुआ था, इसको ननकाना साहिब कहते हैं। ये जो जगह है ये पाकिस्तान में है। तो इंटरेस्टिंगली, सिख रिलीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा आप कह सकते हो वो पाकिस्तान में है, और यहाँ पर हर साल बहुत सारे सिख्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं और ननकाना साहिब विजिट करते हैं। अपने आप में काफ़ी एक अमेजिंग साइट होती है वो। और फिर हम बात करते हैं गुरु अंगद देव जी की। ये सेकेंड गुरु थे सिख रिलीजन के, और इन्होंने इन्वेंशन करी थी गुरुमुखी की। आपने देखा होगा पंजाब में जो रिटर्न फॉर्म होती है पंजाबी की, जिस तरीके से पंजाबी लिखी जाती है उसको गुरुमुखी कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्क्रिप्चर्स हैं सिख रिलीजन में वो गुरुमुखी में ही लिखे गए हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। और जो 10th गुरु थे सिख रिलीजन के वो थे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, और इन्होंने खालसा बनाया था। अब देखो, वैसे जो सिख रिलीजन में मैरिज होती है उसको कहते हैं आनंद कराज। तो आनंद कराज इज द सिख मैरिज सेरेमनी, इसका मतलब होता है ब्लिसफुल यूनियन या जॉयफुल यूनियन। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस सिस्टम ऑफ मैरिज को, कि इस तरीके से शादी होगी, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था गुरु अमरदास जी ने। ये तीसरे गुरु थे सिख रिलीजन के, आपको पता है 10 गुरुज हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड, और मैं जल्द ही आपके लिए एक और करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आऊँगा सून, और कंट्रीज वाली जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, सारी कंट्रीज़ कवर की जाएंगी। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्टडिंग हार्ड।